जिस प्रकार साध्वी प्रज्ञा आतंकवाद की आरोपी भारतवासियों को बम के जरिए उड़ाने में मुलव्वस आरोपी को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, उससे साफ हो गया कि इनकी आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नहीं है। एक आतंकवाद के आरोपी को भारत के अंदर चुनाव लड़ने की अनुमति मिलना और भारत की संसद में जाना भारत के संविधान का अपमान है, भारत के लोकतंत्र का अपमान है। और अगर आतंकवाद के आरोपी संसद में जाएंगे तो फिर मसूद अजहर और अजमल कसाब जैसों का क्या होगा? मसूद अजहर का भी समर्थन आ सकता है फिर तो। अजमल कसाब हो या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हो, ऐसे लोगों के लिए समाज में कोई जगह न थी, न है, न हो सकती। और उसने जो कहा है कि शहीद हेमंत करकरे के ऊपर जो जैसी करनी वैसी बरनी, अरे बेगैरत, शहीद हेमंत करकरे जी ने जिनको पुरस्कार दिया गया अशोक चक्र, उन्होंने अपनी जान का बलिदान इसलिए दिया कि वो देश की रक्षा देश के नौजवानों की उस बॉम्बे बम धमाकों के अंदर कर सकें। तेरी जैसी नीच सोच रखने वाले लोग इस देश के लिए खतरा हैं। और बीजेपी कल को गोडसे को भारत रत्न दे या मसूद अजहर को इनवाइट कर ले इंडिया में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हाफिज सईद को सम्मान दे दे, शांति पुरस्कार दे दे मोदी सरकार, तो कोई बड़ी अचंभे की बात नहीं होगी, क्योंकि आतंकवाद पर इनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाकाम हो गई। जो आतंकवादी है वो देश का नहीं हो सकता। और इन पर इल्जाम खत्म नहीं हुआ है, ये बेल पर है और आतंकवाद का आरोप बहुत संगीन है। इस प्रकार के लोगों का लोकतंत्र में हिस्सेदारी होना समाज को तोड़ देगा और देश दूसरी डगर पर चला जाएगा, जहां अपराधी और आतंक के आरोपी जब पार्लियामेंट में बैठेंगे तो देश की सुरक्षा फिर कायम नहीं रहने वाली है। आखिरी चीज, देश के संविधान को ऐसे लोगों से खतरा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।